कोरोना काल में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, ये इस वक्त लाख टके का सवाल बना हुआ है। सवाल ये भी कि क्या बिहार में बीजेपी बनेगी पार्टी नंबर वन। इंग्लिश न्यूज चैनल टाइम्स नाउ और सी वोटर के ओपिनियन पोल में इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की गई है। 1 से 10 अक्टूबर के बीच हुए इस सर्वे में कुल 12,843 लोगों की राय जानी गई। सर्वे फोन के जरिए बात करके किया गया है। इसमें बिहार की सभी 243 सीटों के लोगों की राय शामिल है। आखिर लोग बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं, चुनाव के मुद्दे क्या हैं? ऐसे सभी सवालों पर बिहार के लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी है। सर्वे का अनुमान कहता है कि बिहार का रुझान एनडीए गठबंधन की तरफ है, यानी बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन सकती है। टाइम्स नाउ सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार चुनाव में एनडीए 160 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है, जबकि आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के खाते में 76 सीटें जा सकती हैं। सर्वे के नतीजे ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार नीतीश की पार्टी पर भारी पड़ सकती है। एनडीए को दी गई 160 सीटों में से बीजेपी को 85 और जेडीयू को 70 सीटें मिलती दिखाई गई हैं, जबकि हम और वीआईपी के खाते में 5-5 सीटें आने का अनुमान जताया गया है। वहीं यूपीए को 76 सीटें मिलने का अनुमान है। इनमें आरजेडी को 56, कांग्रेस को 15 और लेफ्ट को 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। सर्वे का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इसमें लोक जनशक्ति पार्टी को सिर्फ 5 सीटें दी गई हैं। सर्वे के मुताबिक एनडीए से अलग होकर नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ने का कोई खास फायदा चिराग पासवान को होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी को सहानुभूति मिल सकती है। पासवान का निधन 8 अक्टूबर को हुआ था और ये सर्वे 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच कराया गया। ऐसे में ये संभव है कि सर्वे में इस फैक्टर का असर पूरी तरह से शामिल ना हो पाया हो। सर्वे में 32% लोगों ने नीतीश कुमार को पसंदीदा सीएम बताया, जबकि 17.6% लोगों ने तेजस्वी यादव को चुना। 12.5% लोगों की पसंद के साथ तीसरे नंबर पर सुशील मोदी रहे। लोगों से जब पूछा गया कि क्या आप नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार से नाराज हैं और क्या आप इसे बदलना चाहते हैं, तो 54.5% लोगों ने कहा कि हाँ, वो सरकार से नाराज हैं और इसे बदलना चाहते हैं। 29.5% लोगों ने कहा कि वो सरकार से नाराज हैं लेकिन उसे बदलना नहीं चाहते। वहीं 15.9% लोगों ने कहा कि वो ना तो सरकार से नाराज हैं और ना ही इसे बदलना चाहते हैं। सर्वे में 49% लोगों ने नौकरी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। 12.9% लोगों ने बिजली, पानी और सड़क को प्राथमिकता दी, जबकि करप्शन 8.7% लोगों के लिए, महिला सुरक्षा 7.1% लोगों के लिए और 6.7% लोगों के लिए शिक्षा मुद्दा है। लोगों से जब पूछा गया कि इस मुद्दे पर वर्तमान जेडीयू बीजेपी सरकार के प्रदर्शन को आप कैसे आंकते हैं, तो 43.6% लोगों ने खराब कहा, जबकि 29% लोगों ने अच्छा और 27.5% लोगों ने औसत करार दिया। क्षेत्रवार सीटों की बात करें तो टाइम्स नाउ सी वोटर ओपिनियन पोल में मगध क्षेत्र की 52 सीटों में से 38 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज कर सकता है, जबकि महागठबंधन के खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं भोजपुर क्षेत्र की 48 सीटों में से एनडीए को 35 सीटें, महागठबंधन को 13 सीटें मिलने का अनुमान है। बात अगर बिहार के अंग क्षेत्र की करें तो यहां की 23 सीटों में कांटे की टक्कर रहने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक यहां एनडीए को 12 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 11 सीटें। इसके अलावा मिथिला में एनडीए को 32, यूपीए को 11, सीमांचल से एनडीए को 9, यूपीए को 14 और तिरहुट से एनडीए को 34, जबकि यूपीए के खाते में 13 सीटें आने का अनुमान जताया गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।